व्हाट इज एनिमेशन? देखो भाई, इस सवाल का आंसर सबको पता है, एनिमेशन मतलब कार्टून। सच में 15 से 30 सेकंड का रील्स एक घंटा तक देख के खुद को ज्ञानी समझने वाले मेरे होनहार ऑडियंस, आओ ले चले तुम्हें एक अलग ही दुनिया पे, जिधर 30 सेकंड का ठुमके लगाने से 2 मिलियन व्यूज नहीं आ जाते, पर 2 साल मेहनत के बाद जो 30 सेकंड का एक्सपोर्ट आता है, आहा। डेथ नोट, नारुतो, योर नेम जैसे एनिमेशन या एनाइम के क्रिएटर्स चूतिए हैं, जो सालों के मेहनत के बाद 30 मिनट का एक एपिसोड लाते हैं। चीजों को समझो, केवल सी से ही 2 अलग-अलग शब्द आते हैं, एक क्रिएटिव लुक, 2 चूतिए लुक। और सीखे कहाँ से? तो वाह, सुना हो तुम्हें एक प्यार की कहानी, एक था एनिमेटर, एक था एनिमी। वीडियो को ऐसे ही सजाओ कि तुम्हारी हर तरह की क्वेरी इस एक वीडियो से मिट जाएगी। भूख लगी है जानने की? चलो आओ खिलाते हैं। सीखे कहाँ से? एक यूट्यूब वाले। देखो भाई, फ्री चीज हर टाइम कभी बेकार नहीं जाती, ये तो फिर भी तुम्हारी 1.5 GB और डेली 60% चार्ज खाता रहता है। YouTube एक नॉलेज का यूनिवर्स है, पर तुम तो यूनिवर्स में रह के भड़कते भड़कते तुम्हारी मम्मी पापा को नहीं ढूंढोगे ना, इसलिए यूनिवर्स के अंदर, ग्रह के अंदर, देश के अंदर तुम्हारा एक घर रहता है, जिधर मम्मी पापा मामा मामी सब आसपास मिलजुल के रहते हैं। वो यूनिवर्स है तुम्हारा यूट्यूब, ग्रह है एनिमेशन, देश है तुम्हारा कैटेगरी, वो घर है तुम्हारा इंस्टीट्यूट। अब तुम तो फोटोशॉप सीख गए GFX मेंटर्स, एनिमेट सीख गए कुछ और से, पर जब तक समुंदर पे नहीं उतरोगे तब तक गहराई नहीं समझोगे, और इंस्टीट्यूट इधर सबमरीन बन के तुमको गहराई का 20% झलक दिखाता है। आगे क्या करना है, कल क्या करना है, 10 साल बाद क्या करना है, ये सब एक ही प्लेलिस्ट बना के रखता है एक इंस्टीट्यूट। YouTube पे जानने जाओगे तो सर्च बॉक्स पे ही खोने का डर मत लेके जाना, और खुद को खोने के बाद भी अगर आखिर तक मंजिल हासिल कर लिया तो इस एनिमेशन ग्रह का तुम रोनाल्डो बन जाओगे, सच कहता हूँ। और अगर इंस्टीट्यूट पे सीख के एक से एक क्रिएटिव प्लेयर के पोर्टफोलियो को हरा के जो प्लेयर बनोगे, उससे एनिमेशन वर्ल्ड का मेसी कहलाओगे। और ग्रह का एक ही खिलाड़ी बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके रखो, वरना उस पहले वाले सी का 2 नंबर ऑप्शन होकर रह जाओगे।